HPHT के ऑनशोर गैस टर्मिनल में आपका स्वागत है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रतिबद्ध ONGC का गुजरात राज्य उपक्रम GSPC की पूर्वी अपतटीय फील्ड्स को विलय करना, राष्ट्र की हाइड्रोकार्बन संपदाओं को संगठित कर अपने सकल प्रदर्शन को सकारात्मक गति देने एवं भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए किफायती ऊर्जा की उपलब्धता बनाने की दिशा में एक सुदृढ़ प्रयास रहा है। HPHT परिसंपत्ति ने GSPC की यहां स्थित तेल एवं गैस फील्ड्स के संचालन का उत्तरदायित्व संभाला है और इनमें शामिल है काकीनाडा के समीप मल्लवरम स्थित अत्याधुनिक ऑनशोर गैस टर्मिनल OGT। अभी आप ONGC की अहम HPHT परिसंपत्ति के ऑनशोर गैस टर्मिनल में हैं। सेफ्टी संरक्षा को ONGC अपनी हर संचालन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान पर रखती है। हम यहाँ आपका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी आधुनिक एवं अद्यतन संरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं आपकी उपस्थिति को सुरक्षित एवं विस्मरणीय बनाएंगी। किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए इस प्लांट में लगाए गए हैं उन्नत किस्म के फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम। हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर्स भी पूरे संयंत्र क्षेत्र में लगे हैं, जो किसी भी तरह के गैस के रिसाव का पता लगा लेते हैं। हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में किसी भी घटना से निपटने के लिए दिन रात डॉक्टर और एम्बुलेंस सेवाएं तैयार रहती हैं। ये ऑनशोर गैस टर्मिनल करीब 70 हेक्टेयर जमीन पर बना है और मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित है। एक है प्रोसेस क्षेत्र और दूसरा नॉन प्रोसेस क्षेत्र। यहाँ के नॉन प्रोसेस क्षेत्र में आते हैं प्रशासनिक क्षेत्र, कैंटीन, अग्निशमन केंद्र और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। OGT प्रोसेस क्षेत्र में शामिल है गैस प्रोसेसिंग प्लांट, उससे जुड़े फ्लेयर स्टैक, ठंडे पानी का सर्कुलेशन और ट्रीटमेंट सिस्टम और उससे जुड़ी दूसरी सुविधाएं, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, क्वालिटी अश्योरेंस लेबोरेटरी और कॉन्डेंसेट प्रोसेसिंग सिस्टम तथा उसके स्टेबलाइज्ड कॉन्डेंसेट स्टोरेज टैंक्स। ध्यान रखें, प्रोसेस क्षेत्र में इन चीजों को ले जाने की सख्त मनाही है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि माचिस या लाइटर, वो उपकरण जिनसे चिंगारी निकल सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन्स, कैमरा, लैपटॉप वगैरह। संचालन क्षेत्र में आने वाले हर वाहन के लिए वाहन का एंट्री परमिट जरूरी है, मगर आपके वाहन के एग्जॉस्ट पाइप से एक मान्य स्पार्क अरेस्टर लगाना आवश्यक होगा या आपको हमारे सुरक्षा गेट पर मिल जाएगा। आप परिसर के अंदर सिर्फ उन जगहों पर ही जाएं जहां जाने की आपको अनुमति है। सुरक्षा अधिकारी आपको उस क्षेत्र में जाने या कार्य करने का लिखित परमिट देंगे। परिसर के अंदर बिना इजाजत किसी वाल्व या उपकरण को न चलाएं, बिना इजाजत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल को न छुएं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के वाल्व को बिना अनुमति के पानी के लिए न खोलें, किसी भी फायर हाइड्रेंट, वाटर मॉनिटर, फायर टेंडर और एम्बुलेंस के सामने अपना वाहन न खड़ा करें। आपको पूरे टर्मिनल एरिया में जगह जगह पर बोर्ड पर लिखे सुरक्षा निर्देश नजर आएंगे, आप सख्ती से उनका पालन करें। परिसर के अंदर सिगरेट, बीड़ी पीना या फोटो लेना सख्त मना है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय हैंड रेलिंग को अच्छी तरह से जरूर पकड़ लें। परिसर में निजी सुरक्षा उपकरणों अथवा PPE जैसे कि हेलमेट, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स, EMFs का इस्तेमाल करें और प्रोसेस क्षेत्र में इनका उपयोग आवश्यक है। किसी रासायनिक दुर्घटना जैसे कि किसी रसायन के मुंह या शरीर में जाने या उसके त्वचा के संपर्क में आने पर फौरन जरूरी सुरक्षा उपायों का उपयोग करें। यहाँ ये सुरक्षा उपाय जैसे कि सेफ्टी शावर्स, सेफ्टी गॉगल्स, केमिकल सूट्स, एंटीडोट्स वगैरह उपलब्ध हैं। जिन क्षेत्रों में हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, वहां प्रवेश करने से पहले सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए सुरक्षा नियमों का पालन करें। जिन क्षेत्रों में H2S की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां एक सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस अथवा SCBA आवश्यक है। आपातकालीन सायरन सुनते ही आप अपने सबसे करीब के आपातकालीन असेंबली पॉइंट पर जाएं। जगह जगह बोर्ड पर बाहर जाने के रास्ते के निर्देश लिखे हैं, आप उनके सहारे अपने सबसे करीबी आपातकालीन असेंबली पॉइंट पर पहुंचे। इस परिसर में इस तरह के 3 आपातकालीन असेंबली पॉइंट्स बने हैं। असेंबली पॉइंट पर इंसिडेंट कोऑर्डिनेटर के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। संकट के समय शांत रहें।
सुरक्षित तरीके से अपना काम बंद करें, उस क्षेत्र से फौरन निकल जाएं। संकट के समय अपने निजी सामान लेने के लिए न रुकें। जब संकट की स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी और काम फिर से शुरू करने के हालात बन जाएंगे, तब 2 मिनट तक लगातार ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा। इस ऑल क्लियर अलार्म के बाद इस बात की घोषणा की जाएगी कि अब आप अपने काम पर लौट सकते हैं। हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे परिसर में आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो।